नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में विधायक ने चार दीवारी का शिलान्यास किया। निरसा थाना अंतर्गत कंचनडी उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में गुरुवार को भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने गुरुवार को चार दीवारी का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में विकास के गंगा बह रही है, जहां सड़क हो, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, जितने भी समस्या हो अपने स्तर से विकास कर रहे हैं, चाहे बर बिंदियापुर का मामला हो या तो पांडरा स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जितने भी समस्या हो समस्या का समाधान किया जाएगा। एक और जहां पर बरबिंदियापुर का मामला हो, कल से झारखंड विधानसभा में शास्त्र चालू होने वाला है। हर मुद्दा को विधानसभा में उठाऊंगा। आज कंचनडी के ग्रामीण भी शिलान्यास में शामिल हुए और खासकर जिला परिषद सदस्य पिंटू सिंह भी इस मौके में उपस्थित रहे। आइए जानते हैं अपर्णा सेनगुप्ता विधायिका और पिंटू सिंह जिला परिषद ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसी नारे को चेतार्थ करते हुए हमारी निरसा की लोकप्रिय विधायक अपर्णा सेनगुप्ता जी की कलम से निरसा के सारे स्कूलों का चारदीवारी का एक पत्र लिया गया, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग ने, आप देखेंगे, लगभग स्कूलों में चारदीवारी का कार्य चल रहा है और उसमें कहीं भी धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई बंटवारा नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर विशेषकर बच्चे भी जो है अल्पसंख्यक बहुल हैं। तो मोदी जी के आदर्शों पर चलते हुए आज अल्पसंख्यक क्षेत्र में भी चारदीवारी का कार्य हमारी विधायक जी के माध्यम से हो रहा है और मेरा क्षेत्र है, हमने विधायक जी का स्वागत भी किया और मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ विधायक जी का कि वो सबको एक बराबर देख रही है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने 370 हटने के बाद जिस तरह विकास का कार्य किया है और जिस तरह से विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी तरह निरसा में हमारी विधायक जी कर रही है। हम अल्पसंख्यक भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो मोदी जी के साथ साथ हमारी विधायक जी को ये भरोसा रखें, सारा कार्य जो है विकास का वो हो रहा है और आगे भी होगा। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार मेरा निरसा विधानसभा में विकास का गंगा किस तरह से बह रहा है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, पुल पुलिया है, रोड है, स्वास्थ्य हो और जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, इस समस्या को अपना समस्या समझते हुए हमने लगातार जो विकास चल रहा है इसी के तहत अभी हम कंचनडी उर्दू क्रमिक मध्य विद्यालय में जो अभी शिलान्यास चार दीवारी का शिलान्यास अभी हम लोग किए, साथ में है हमारे जिला परिषद नौ के पिंटू जी हैं और तमाम हमारे यहाँ देख रहे हैं हमारे संघ के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं हमारे उपस्थित ग्रामीण भाइयों सब सभी के उपस्थिति में, प्रेस आप लोग का उपस्थिति में आज ये शिलान्यास हुआ। बस यही कहेंगे कि काम गुणवत्ता से होना चाहिए, काम में किसी तरह से कोताही नहीं हो और जो हमारे स्थानीय यहाँ जो हेल्प करना चाहते हैं, जो कोई अगर काम यहाँ करना चाहते हैं जैसे कोई सप्लाई अगर चाहिए, ये सब भी थोड़ा सा अपना देखना है और काम अच्छा होना चाहिए। बस विकास, अभी हम जा रहे हैं, आज ही हम जा रहे हैं रांची, कल से विधानसभा सत्र है और सत्र में पुरजोर तरीका से, चाहे हमारा एक नंबर बरबिंदिया पुल का क्योंकि कैबिनेट पास हो गया है, जल्द से जल्द वो शिलान्यास हो, आचार संहिता लगने वाला है उसका शिलान्यास हो जाए। कोई बड़बोला नेता लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं ये डेट में होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम जा रहे हैं, जाके माननीय CM साहब से, माननीय विभागीय मंत्री से हम बात करेंगे और जल्द से जल्द इसे बरबिंदिया पुल का शिलान्यास कराने का हम कोशिश करेंगे। साथ ही मेरा हॉस्पिटल पांडरा मोड़ में जो हॉस्पिटल है ये एकदम काम युद्ध स्तर से चल रहा है और जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है उस सब का ध्यान है, जितने भी हमारे यहाँ पानी का समस्या है जो अभी टहल कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के बाद अभी नया कंपनी आया है, वो काम जल्द से जल्द शुरू करें। ये जितना भी विधानसभा का जो भी थोड़ा थोड़ा काम के लिए रुका हुआ है, ये सब हम विधानसभा में क्वेश्चन कर जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग का भी है, हमारा पानी है, रोड, पुल पुलिया, रास्ता,
जनता से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, अभी पारा टीचर का भी मिली हमसे कि हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी धरना बैठेंगे, उस विषय में जो भी है हम लोग, चूँकि सत्र बहुत छोटा है, बजट सत्र है, बजट सत्र थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, क्योंकि जनता का जो समस्या रहता है उस समस्या का विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन डालते हैं उसके लिए। लेकिन चूँकि झारखंड सरकार का किस तरह से हुआ, हेमंत जी का जेल जाना, ईडी का मतलब गिरफ्तारी होना, कारण जो जो है आप लोग जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर उनके ऊपर आरोप लगा है, और इसके चलते सत्र भी छोटा हो गया। अभी हम लोग का 23 से लेकर 2 तारीख तक सत्र है, बीच में शनि रविवार है, छोटा सत्र है, पता नहीं उसमें भी अगर हम लोग को बोलने दिया जाएगा तो ज़रूर हम लोग विधानसभा का जो समस्या है समाधान करने का मांग करेंगे। और हम लोग आप लोग तो देखे हैं कि विधानसभा का बाहर से मेरा धरना शुरू होता है, विधानसभा अंदर जाने से पहले हमारा बाहर में ही हम धरना में बैठ जाते हैं समस्या को लेके। तो बस इसी तरह से हम जा रहे हैं, कल से सत्र है और जनता का समस्या को लेके मुखर होकर हम विधानसभा में बात को अपना एग्जाम के विषय में हमसे बात करते हैं, और हम भी आप लोग से बात करते रहते हैं एग्जाम के विषय में। विधानसभा में भी ये क्वेश्चन मेरा डाला गया है, हम चाहे धरना के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, मेरा क्वेश्चन भी गया है, क्वेश्चन अगर मेरा पकड़ा जाता है हम सूचना के माध्यम से जैसे भी होगा सरकार के संज्ञान में देने का काम हम करेंगे। जैसे हमारा निरसा विधानसभा में, विशेष करके निरसा बाज़ार में जो जाम लग रहा है और चौक चौराहे जितना भी है उसके लिए मुखर होकर हम बात करेंगे। और अभी जो नया थाना प्रभारी आए हैं उनको भी हम बुलाए थे, उनको भी हम बोले हैं कि जाम का समस्या है, इसको आप समाधान करने का कोशिश करें, और देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बस यही आशा रहेगा कि सरकार से भी इस विषय में सरकार का संज्ञान में दें और सरकार से भी व्यवस्था दिया जाए, इसका हम लोग मांग करेंगे।